मोदी जी सिर्फ खुद की मौज मस्ती कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ 3 साल से नोटबंदी हुई है, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मर गए हैं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। और मोदी जी ने कहा था अगर 50 दिन में अगर नोटबंदी का अगर कोई उपाय मार्ग नहीं निकलता तो वो खुद वो फांसी पे चढ़ जाएंगे। इस बात का क्या है, मतलब इतने साल 50 दिन में जो है वादा किया था कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज 3 साल पूरे हो गए हैं। देखिए 3 साल में जिस दिन नोटबंदी हुई थी मनमोहन सिंह जी ने कहा था डिमोनेटाइजेशन इज डिजास्टर फॉर इंडिया, आज वो डिजास्टर के नतीजे सामने आने लगे हैं। चरम जो बेरोजगारी है वो देश में चरम पर है, किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगार है, बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद होने की कगार में हैं, हमारी भारतीय उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और आप विदेशों को यहाँ पर आने दे रहे हैं। मोदी जी आप बताइए क्या लाभ हुआ, बैंकों में पैसा नहीं है, आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार RBI से आप पैसा उधार ले रहे हैं, हमारी जमा पूंजी आपने खर्च कर दी, जिस काले धन के नाम पर आप आए थे कि ये काला धन नोटबंदी से खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन ये कहीं भी 3 सालों में नजर नहीं आया। आप ही ने कहा था कि 50 दिन में यदि नहीं हो तो चौराहे पे जवाब दूंगा, आज यूथ कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है, हमें 3 फायदे गिना दीजिए नोटबंदी से, क्या रोजगार देश को मिला, क्या किसानों की आय में सुधार हुआ, यही प्रश्न हमारा। जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है ना, ये कुछ नहीं हो सकता, युवा बेरोजगार हो गया, आम आदमी सड़क पे आ गया, कंपनियां खत्म हो गई है, तो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, क्या करा उन्होंने देश के लिए, कुछ नहीं किया है। हम जैसे युवाओं को पढ़ा लिखा इंसान रोड पे घूम रहा है और देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं देश का हालात ठीक कर दूंगा, नोटबंदी करने से देश के हालात ठीक नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, देश में पैसा नहीं है, युवा नहीं है, कैसे करेंगे बताओ, देश का विकास कैसे होगा, कहाँ से हो रहा है विकास, कोई विकास नहीं हो रहा है, विकास कहाँ है, विकास विदेशों में नहीं है, इंडिया में है, पहले भारत में तो रहो तब तो विकास होगा, भारत में आप दिखते हो, आप विदेशों में घूमते हो, भ्रमण करने से विकास नहीं होता है, देश में रहने से, देश के हालात देखने से, आप गांव में जाके देखो गरीबी देखो, लोग 2-2 रुपए के तरस रहे हैं, छोटे छोटे उनके पास कोई लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लिए रोजगार के लिए पैसा नहीं, कहते हमने जनधन योजना खोली, कौन सी जनधन योजना खोल दी, सारे खाते खोले पैसे डाल दिए, खाते बंद कर दिए, कहां है हमारा पैसा, लोग अपने पैसों के लिए पर्ची ले लेके लाइन में लग के अपना पैसा ले रहे हैं, कौन सा लोन मिल रहा है, जो गरीब आदमी जिस चीज के लिए जरूरत है ना उस आदमी को लोन नहीं मिल रहा है, लोन उन लोगों को मिल रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे उनको लोन मिल रहा है, आम आदमी को लोन नहीं मिल रहा है, आम आदमी उसके लिए आज भी वंचित है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से उन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनके पास काला धन है, काला धन तो मुझे लग रहा है मोदी जी को दर्द हो रहा है, उन्हीं के पास ही होगा काला धन, हमारे पास नहीं, हम तो गरीब है, हम तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कांग्रेस सरकार ने गरीबों की सरकार थी, गरीबों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हर जाति हर धर्म हर तबके लोगों के लिए, कांग्रेस सरकार ने कभी किसी के संग भेदभाव नहीं किया है, भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में दंगे, हाँ जी ये भाजपा की सरकार में हुआ है, कांग्रेस सरकार में नहीं होता था, और किसान बेचारा आज भी धरने में, किसानों में डंडे लाठियां बरसाई जा रही है, किसान बेचारा अपनी फसल की उसे आज तक आधा लागत मूल्य नहीं मिली, किसान को कौन सी उनकी लागत मूल्य मिल गई, हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। आज हम स्पेशली मोदी जी को बुलाने आए हैं, उन्होंने कहा 50 दिन में हालात नहीं सुधरे, आज 3 साल हो गए तो मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, आज हम उनके, वो तो चौराहे पे आए नहीं मगर हम चौराहे पे आ गए, हम उनसे डिमांड करते हैं कि आपने कहा था 50 दिन में हालात सुधर जाएंगे, आज 3 साल हो गए, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान के खेत में आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, घर चल नहीं रहा, प्याज 100 रुपए किलो हो गया है, डीजल का रेट देखिए, डॉलर जो 72 से 75 रुपए हो गया है, यही देश की स्थिति अगर ऐसे ही सुधरती है तो बताइए देश का बुरा हाल है। मोदी जी से अपील है कि आपने कहा था 50 दिन के बाद मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, वो तो चौराहे पे आए नहीं मगर हम चौराहे पे आ गए हैं, हमें चौराहे पे खड़ा कर दिया, बहन बेटियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया है, देश का नाश कर दिया उन्होंने। जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हुआ है, जिस प्रकार से जिसको मौन बोला गया था, हिंदुस्तान का मौन मनमोहन जी, उन्होंने बोला था 2% GDP गिरेगी, GDP 2 से भी ज्यादा गिर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, चरमरा चुकी है देश की, के भुखमरी की कगार पे देश खड़ा हुआ है, हमारी तुलना पाकिस्तान से की जा रही है जिसकी सिर्फ $200 ट्रिलियन इकोनॉमी और हमारी $2000 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ऐसे देश से हमारी तुलना की जा रही है, बहुत बुरा दौर है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था जो है बढ़िया होगी, काला धन पर वापिस आएगा, सब कुछ हुआ था, क्या हुआ, क्या कुछ शहर नोटबंदी के बाद ही सबसे पहला हमला हुआ बालाकोट, जिसे इन्होंने जाके फिर बालाकोट में जो भी किया, एक एक चीज हिंदुस्तान देख रहा है, काला धन कोई कम नहीं हुआ, एक काले धन का व्यापारी बताइए जो हिंदुस्तान आए हो, बल्कि हिंदुस्तान के काले धन के व्यापारी विदेश, इनके जो मंत्री अपने हाथों से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं,
नोटबंदी के 3 साल पूरे हो गए, मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में जो है हालात सामान्य हो जाएंगे, नहीं मैं चौराहे पर आऊंगा। कुछ भी सामान्य नहीं, आप सब देख रहे हैं कि हालात क्या हुए हैं नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद फायदा हुआ था मोदी सरकार के मंत्रियों को, फायदा हुआ है अमित शाह के लड़के को, फायदा हुआ है जय शाह को, जिसकी प्रॉपर्टी इतनी दुगनी बढ़ गई है। आप देखिए ना कि उनके लड़कों को फायदा हो रहा है, गरीब लोग तो मर गया है, उनका पैसा निकाल लिया। इन्होंने कहा था कि आतंकवाद कम होएगा, आतंकवाद कहाँ कम हुआ है, उससे ज्यादा फैला है। इन्होंने कहा था हम बाहर से काला धन लाएंगे, एक भी आप बता दें कौन सा काला धन आज इंडिया में आया है, और इंडिया का जो धन था वो बाहर चला गया है। एक गुंडे का लड़का, हमारी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा था, उसको भी खाने के लिए सचिव बना दिया, उस पर भी हाथ डाल दिया, जैसे आरबीआई पे डाला, कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट पे डाला, ईडी पे डाला, सीबीआई पे डाला। अब हमारे क्रिकेट बोर्ड राष्ट्र का सबसे धनी बोर्ड है, उसको भी खाने के लिए अपना लड़का सचिव बना दिया है। हम ये युवा, ये नौजवान जब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे, जब तक इस रंगा बिल्ले की सरकार, इन दोनों गुंडों की सरकार को गुजरात भेजने का काम ना करते हैं। इन्होंने वो हाल देश का किया है कि इन्हें ये भरना पड़ेगा, ये रंडो विंडो की सरकार ये खत्म होएगी। ये जो दो गुर्गे बैठे हैं ना, इन्होंने आज देश पूरा बेहाल कर दिया है। इस कतार पे देश है, आज का युवा रोटी रोटी के लिए, रोजगार के लिए तरस रहा है, लेकिन इन्होंने, इनकी आंख नहीं खुल रही। ज्योतिराम सिंधे ने कहा था इन्हें सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, वो दिन दूर नहीं है कि ये फूल जिस तरह से खिला रहे हैं ये देश के अंदर दिखाई भी नहीं देगा। आज जब नोटबंदी की गई थी, जब इन्होंने काला धन है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, सबका सफाया हो जाएगा, आज देश का 99.3% जो पैसा था वो बैंकों में वापिस आ गया, 16 लाख करोड़ रुपए था। आज जो पीएमसी बैंक घोटाला है, महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है, वो सब नोटबंदी की देन है। 12 डायरेक्टर होते हैं, 12 डायरेक्टरों में से 8 डायरेक्टर सीधे सीधे बीजेपी सरकार के लोग होते हैं। हजारों लोगों का पैसा डूब जाता है, लोग आज लाइनों में खड़े, रिजर्व बैंक के आगे खड़े हैं। अरे लोगों, किसी ने शादी का जमा पैसा कर रखा था, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रखा था, क्या है देश में? अब देश का वातावरण खराब हो चुका है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, दिवाली पे लोगों का दिवाला निकल चुका है, लेकिन मोदी जी बाहर जाकर कहते देश में सब कुछ ठीक है। अरे एनआरसी पे लागू करना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, इससे इस मुद्दे पे लोग वापस बैकफुट पे आए। हम यही कहते हैं कि मोदी जी अपने वादा कहते हैं कि 100 दिन के अंदर मुझे फांसी लगा देना, लेकिन काला धन वापस नहीं आया और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बैंकिंग सिस्टम देश की रीढ़ की हड्डी है, आज उस सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने। मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार और इसको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसने देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लाकर जीरो कर दिया। नोटबंदी के 3 सालों में कोई फायदा नहीं मिला देश को, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापसी आएगा, कोई काला धन वापसी नहीं आया है, पूरा का पूरा पैसा बैंकों में आरबीआई को वापसी मिल गया है। और जिस तरीके से युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, आज युवा बेरोजगार है, किसान दर दर की ठोकरें खाता है, किसान आत्महत्या करता है, तो ये नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के फायदे हैं, जिससे लोग आत्महत्या करने पे आज आत्महत्या करते हैं। आप देखते हैं कि जैसा कि ये 3 साल में भाजपा की सरकार ने युवाओं से 90 लाख नौकरियां छीन गई और हमारा देश का जीडीपी 2% घट चुका है। छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं सब आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, और पूरे देश के युवा, पूरे देश का किसान, पूरे देश का व्यापारी सब कुछ तड़प रहा है, और आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को इसका जवाब मिलेगा। साथियों, जिस प्रकार आपने देखा नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, और नोटबंदी से देश के 150 लोग मर गए नोटबंदी के वजह से, आज ये 3रा साल है उसके खिलाफ आज यहाँ भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी की स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकामयाब है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम तो राम को मानने वाले लोग हैं, और हमारी संस्कृति में लिखा है जब कोई हमारा घर का प्यारा, हमारे घर का बुजुर्ग मर जाता है, और हम उसकी हर साल बरसी बनाते हैं। देखिए, आज ठीक उसी तरीके से पूरी यूथ कांग्रेस आज 3री बरसी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश की गुड़ कमाई जो मोदी जी ने बंद
करके आम आदमी को सड़कों पर उतार दिया था, वो खाने के लिए परेशान हो गया था, उसी तरीके से आज हम बरसी बनाने नरेंद्र मोदी जी आपकी सड़कों तक आए हैं। पूरे देश से यहाँ युवा कांग्रेस के लोग पहुंचे और आज आपसे सवाल करते हैं। आपने मात्र 3 महीने का समय मांगा था, आप भी जानते हैं। हाँ भैया, मांगा था, देखिए। और वो 3 महीने के पूरे 5 साल चले गए, 5 साल के बाद फिर 1 साल होने को कुछ ही क्षणों में आ जाएगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ना सड़कों पे आए, ना उन्होंने जनता को जवाब दिया। और नोटबंदी के टाइम जब उन लोग परेशान हुए थे, लोगों की बेटियों की शादियां बीच मचाले रुक गई थी, बहुत सारे लोगों के घरों से बारातों को वापस लौटना पड़ रहा था, आपने देखा। इस तरीके से आज हम विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, कहते हैं कि आज आइए, हम सड़कों पे, इन्हीं सड़कों पे आपका वेट कर रहे हैं, आप आइए, हमें जवाब दीजिए, पूरे देश को जवाब दीजिए, क्या आपका वो नोटबंदी का काला धन आपने कुन 13 लोगों की जो जेब में उन 13 लोगों की जो झोलियों में भरने का काम किया, जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी। जनता इस बात का आपसे जवाब चाहती है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी